हमारा गठबंधन के ओर से ही हमारा सरपराज अहमद को हम लोग आज नॉमिनेशन फाइल करवा रहे हैं। ये पूरे इंडिया गठबंधन के तरफ से एक मैसेज जाएगा कि हम लोग सब मिलके आगे की कोई भी चुनौती होगी उसको लड़ेंगे। ये पूरे इंडिया गठबंधन के तरफ से एक मैसेज जाएगा कि हम लोग सब मिलके आगे की कोई भी चुनौती होगी उसको लड़ेंगे। झारखंड में 21 मार्च को राज्यसभा के 2 सीटों पर चुनाव होनी है। इसके लिए आज 11 मार्च को नामांकन की अंतिम तिथि है। बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार प्रदीप वर्मा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन कर लिया है। उन्होंने इसके लिए 3 पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई विधायक मौजूद रहे। वहीं महागठबंधन की तरफ से सरफराज अहमद ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर लिया है। उन्होंने नामांकन के दौरान 3 पर्चा भरा। नामांकन के लिए पहुंचे सरफराज अहमद के साथ सीएम चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और कई मंत्री और सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक भी मौजूद रहे। हमारा गठबंधन का सोच और हम लोग हर समय हम लोग पारदर्शिता अपना के ही हम लोग काम करते हैं। इसीलिए हम लोग हमारा गठबंधन के ओर से ही हमारा सरपराज अहमद को हम लोग आज नॉमिनेशन फाइल करवा दिया। देखिए ये तो हम लोग को प्रदेश में हम लोग को अच्छा संदेश देना है। हम लोग जो राज्य के अंदर में विभिन्न राज्य में जो हम लोग देखे हैं, आप लोग भी जानते हैं विभिन्न राज्य में क्या यूपी में किस तरह से हुआ है, लेकिन ये झारखंड में इस तरह का बात नहीं है। माननीय चंपेदा को, हेमंत बाबू को और हमारे गठबंधन के सारे लोग बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं झारखंड की पहले भी सेवा की है, आने वाले दिनों में झारखंड की सेवा करते रहेंगे। देखिए ये पूरे इंडिया गठबंधन के तरफ से एक मैसेज जाएगा कि हम लोग सब मिलके आगे की कोई भी चुनौती होगी उसको लड़ेंगे। मैं आभारी हूँ पार्टी का और सभी कार्यकर्ताओं को मेरा यही मैसेज है कि पार्टी माँ की तरह है, वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।